वो फोन पे एक चीज तो प्लान में लो तू भी आ। वो फोन पे एक चीज तो बोलना ही भूल गया कि पुलिस को मत बुलाना। पुलिस हम जा रहे हैं। हाँ? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे तू मुझे क्यों फोन कर रहा है? पुलिस को ही फोन कर रहा हूँ। वो गुंडों का फोन है। हेलो हेलो हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। वो पिछले कॉल में एक चीज बोलना भूल गए थे कि बारातियों का स्वागत के गलती से भी पुलिस को फोन करने की गलती मत करना वरना तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। तुम्हें कुत्ते बोला कौवा नहीं। नहीं 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 ऐसा मत करना। लेकिन आप क्यों हांफ रहे हैं? वो कुत्ते पीछे पड़ रहे थे। कौन से कुत्ते? हाँ 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 ज्यादा सवाल मत करो चुपचाप जो कह रहा हूँ वो सुनो। ये वही कुत्ते हैं जिनको तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके खिलाया जाएगा। नहीं 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 ऐसा मत करना। तो चुपचाप मेरी बात सुनो और 20 लाख का इंतजाम करो। पापा एक सेकंड। नहीं नहीं मैंने कान पे नहीं लगाया। अच्छा देखिए अभी तक आपने ना आस्तिक भैया से हमारी वीडियो कॉल पे बात नहीं कराई है। एक बार हम उनको देख के तसल्ली हो जाए ना हमें कि वो ठीक है उसके बाद ही फिरौती की बात करेंगे। मैडम हम नौसिखिए नहीं है। आपकी ये तसल्ली भी पूरी कर दी जाएगी। हेलो काट दिया। सरगम की है सारे साथी। तो बस 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 रख लीजिए। पापा वीडियो कॉल। हाँ ले ले। पर मेरा नंबर कहाँ से मिला इन्हें? हाँ उनके पास तो मेरा ही नंबर है। हाँ पता नहीं आप लोगों को मेरा नंबर कहाँ से मिला? हम जिसे किडनैप करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। आस्तिक भैया। आस्तिक पिताजी। बस हो गई तसल्ली। बेटा तू ठीक तो है ना? गुरुजी की कृपा से अभी तक तो जिंदा है पर और कितनी देर टिकेंगे ये पता नहीं। ऐसा मत बोल बेटा ऐसा मत बोल हम तेरे बगैर नहीं जी पाएंगे। ये देख दद्दू सरगम सब परेशान है। परेशान तू सोच अगर तेरी शादी इस वक्त हो गई होती तो तेरी पत्नी भी यहाँ बाजू में खड़ी रो रही होती कितना अच्छा लगता। पिताजी यहाँ हमारी जान जा रही है हमारी जान पे खतरा है और आपको शादी की पड़ी है। आप पिताजी हमें बचा लीजिए ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं और ये वाला तो जब घूर के देखता है हमारी आत्मा तक कांप जाती है। तुम्हें जो जगह बताई जाएगी अगले 2 घंटे में वहां 20 लाख रुपए लेकर आ जाना। छेदी तू बोलना। हाँ। वो 20 लाख जरा ज्यादा है थोड़े कुछ कम हो सकते हैं। इतना कम? 18,36,000 दे सकते हैं। चलो जाओ किया ऐसा ले आना 18,36,000। हाँ आ जाऊंगा। कुछ तो सही आना कहाँ है या ऊपर आना है? कभी चौक के ऊपर आना है। लकड़ी बाजार की गली नंबर 14 के पास एक कचरे का ढेर है वहाँ पीले रंग का कचरे का डब्बा है। बस वही अपने पैसे छोड़ जाना और अपने इस कद्दू जैसी औलाद को ले जाना।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.